छत्तीसगढ़ का, जहां पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेहतारी बंधन योजना के कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। जन जन के नायक श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली आशीर्वाद देहे बर हमारे बीच में उपस्थित होगी ने, मैं सबसे पहले आप मन से चाहूं कि जोरदार करतल ध्वनि से मन के स्वागत करा। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सत सत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ के जम्मो बहनियों महतारी मल्ला सादर प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी बंधन योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। माताओं बहनों, आप लोगों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था, वह दिन आज आ गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम महतारी बंधन योजना शुरू करेंगे। लीजिए, प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज से इस योजना की शुरुआत हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि आज 17,12,600 महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 1,000 रूपये का अंतरण आपके कमलों से हो रहा है। मेरी माताओं बहनों बेटियों, हमारी सनातन परंपरा कहती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। महतारी बंधन योजना के माध्यम से इस ध्येय वाक्य को धरातल पर मूर्त रूप दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह मजबूत कदम छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने की दिशा में बहुत बड़ी छलांग है। आप शक्ति स्वरूपा हैं, आप राष्ट्र की निर्माता हैं, आपका योगदान अनमोल है। यह महतारी बंधन योजना आप लोगों को छोटा सा अर्पण है। मोदी जी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है, इसके लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण बहुत जरूरी है। आप लोग जितनी सशक्त होंगी, हमारा देश और प्रदेश भी उतना ही सशक्त होगा। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी की ताकत से हमारी भी ताकत दोगुनी हो गई है। इस ताकत को हम सब लोगों को बनाए रखना है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको अपनी ताकत देकर आपको देश और प्रदेश की ताकत बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी, आपका मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि अपने व्यस्तम समय में से हमारी माताओं बहनों को, छत्तीसगढ़ को आशीर्वचन देने के लिए समय निकाले। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और नारी सशक्तिकरण की दिशा में सशक्त पहल है महतारी बंधन योजना, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें। ₹17,12,417 महिलाओं को एक साथ डीबीटी के माध्यम से 655 करोड़ वित्तीय राशि अंतरित की जा रही है। आइए देखते हैं महतारी वंदन पर आधारित ये लघु चित्र। हो रही है चारों ओर नारी शक्ति की जय जयकार। छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी हुई है पूरी। गारंटी के अनुरूप राज्य की महिलाओं को मिली है महतारी वंदन योजना की सौगात, जिसके तहत पात्र विवाहित महिला को मिलेगी हर माह ₹1,000 की वित्तीय सहायता।
मुख्यमंत्री जी के त्वरित दिशा निर्देश पर रिकॉर्ड कम समय में इस योजना को धरातल पर लाने का नया कीर्तिमान बना है, जिसका प्रमाण है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश की महिलाओं के खाते में 655 करोड़ 57 लाख रुपए की पहली किश्त की राशि का अंतरण किया है। महतारी वंदन योजना के लिए बधाई देता हूँ। इस योजना से लाखों बहनों को फायदा होगा। आज नारी शक्ति का छत्तीसगढ़ में हो रहा है वंदन अभिनंदन। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। इस ध्येय वाक्य को साकार करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह कि आज के इस भव्य समारोह में जो हमें सौभाग्य मिला है आपको देखने और सुनने का, अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। नमस्कार जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साई जी, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, जय जोहार। मैं मां दंतेश्वरी, मां बमलेश्वरी और मां महामाया को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को भी मेरा प्रणाम। दो हफ्ते पहले मैंने छत्तीसगढ़ में 35,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था और आज मुझे नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली महतारी वंदन योजना को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने 1,000 रुपया देने का वायदा किया गया था। बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। आज महतारी वंदन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं लाखों लाखों बहनों के दर्शन हो रहे हैं। अलग अलग स्थान पर इतनी बड़ी तादाद में आप सब बहनों को एक साथ देखना, आपके आशीर्वाद प्राप्त करना, ये भी हमारा सौभाग्य है। दरअसल तो आज कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे छत्तीसगढ़ में आपके बीच पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं अलग अलग कार्यक्रमों के कारण यहां उत्तर प्रदेश में हूं। और माताएं बहनें, मैं अभी काशी से बोल रहा हूं और कल रात बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए, उनकी पूजा करते हुए सभी देशवासियों की भलाई के लिए प्रार्थना करता था और आज देखिए मुझे बाबा विश्वनाथ की धरती से, काशी की पवित्र नगरी से आप सबसे भी बात करने का अवसर मिला है और इसलिए मैं तो बधाई देता ही हूं, लेकिन बाबा विश्वनाथ भी आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं, कल शिवरात्रि थी परसों, तो शिवरात्रि के कारण 8 मार्च महिला दिवस को ये कार्यक्रम करना संभव नहीं था, तो एक प्रकार से 8 मार्च महिला दिवस, शिवरात्रि का दिवस और आज
बाबा भोले की नगरी से बाबा भोले के आशीर्वाद भी 1000 रुपया तो पहुंच रहा है, उससे बड़ी ताकत बाबा भोले का आशीर्वाद भी पहुंच रहा है। और मैं हर महतारी को कहूंगा, आप सबके खातों में अब हर महीने बिना किसी परेशानी के ये पैसा आता रहेगा, और ये मेरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार पर, और इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं। माताओं बहनों, जब माताएं बहनें सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है, इसलिए डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता हमारी माताओं बहनों का कल्याण है। आज परिवार को पक्का घर मिल रहा है, और वो भी महिलाओं के नाम पर। उज्ज्वला का सस्ता गैस सिलेंडर मिल रहा है, वो भी महिलाओं के नाम पर। 50% से ज्यादा जनधन खाते, वो भी हमारी माताओं बहनों के नाम पर। जो मुद्रा लोन मिल रही है उनमें भी 65% से ज्यादा हमारी महिला बहनों ने, माताओं बहनों ने, खास करके नौजवान बेटियों ने कदम उठाया, आगे बढ़ी और ये लोन लेकर के अपना काम शुरू किया है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का जीवन बदल दिया है। हमारी सरकार के प्रयासों से अब तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन जाना और गांव गांव में ये कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई है। और लेकिन ये सफलता को देखते हुए हमने एक बहुत बड़ी छलांग लगाने का फैसला किया है। हम अब संकल्प कर लिए हैं कि हम देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना से भी महिलाओं के सशक्तिकरण के नए रास्ते खुले हैं। और माताएं बहनें, नमो ड्रोन दीदी का एक बड़ा कार्यक्रम मैं कल ही करने वाला हूं, आप जरूर सुबह 10-11 बजे टीवी पर जुड़ जाइए, देखिए नमो ड्रोन दीदी क्या कमाल कर रही है, आपको भी देखने को मिलेगा और आप भी उत्साह के साथ भविष्य में उसके साथ जुड़े जाएंगे। और इसे नमो ड्रोन दीदी इस योजना के तहत भाजपा सरकार बहनों को ड्रोन भी दोगी और ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग भी देगी। और मैंने तो एक बहन का इंटरव्यू देखा था, उसने कहा मुझे तो साइकिल भी नहीं आती थी और आज मैं ड्रोन दीदी पायलट बन गई हूं। देखिए इससे खेती आधुनिक होगी और बहनों को अतिरिक्त कमाई भी होगी। कल ही दिल्ली से मैं इस योजना का शुभारंभ करने जा रहा हूं, और इसलिए आप सबसे आग्रह है कि फिर एक बार जरूर मेरे साथ जुड़िए। माताओं बहनों, परिवार समृद्ध तब होता है जब परिवार स्वस्थ होता है, और परिवार स्वस्थ तभी होता है जब घर की महिलाएं स्वस्थ होती है। पहले गर्भ के दौरान माता और शिशु की मृत्यु बहुत बड़ी चिंता थी। हमने मुफ्त टीकाकरण और गर्भ के समय 5000 रुपये की मदद गर्भवती महिलाओं को देने की योजना बनाई। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। पहले घर में
शौचालय ना होने की वजह से बहनों बेटियों को पीड़ा और अपमान सहना पड़ता था। आज हर घर में माताओं बहनों के लिए इज्जत घर है, इससे उनकी परेशानी भी कम हुई है और बीमारियों से भी मुक्ति मिली है। माताओं बहनों, चुनाव के पहले कई पार्टियां बड़े बड़े वायदे करती हैं, आसमान से सारे सितारे आपे चरणों में लाकर रख देने की बातें करती हैं, लेकिन भाजपा जैसी साफ नियत वाली पार्टी ही अपने वायदे पूरी करती है। इसलिए बीजेपी सरकार बनने के इतने कम समय में महतारी वंदन योजना का यह वायदा पूरा हुआ है और इसलिए मैं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी को और उनकी पूरी टीम को और छत्तीसगढ़ सरकार को जितनी बधाई दूं उतनी कम है। और यही तो कारण है कि लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी। चुनाव के समय हमने छत्तीसगढ़ की खुशहाली की जो गारंटी दी थी उन्हें पूरा करने के लिए भी भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। मैंने गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में हम 18 लाख आंकड़ा बहुत बड़ा है 18 लाख पक्के घर पक्के आवास का निर्माण करेंगे। सरकार बनने के दूसरे ही दिन हमारे विष्णुदेव साय जी ने उनकी कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बारे में फैसला लेकर काम शुरू कर दिया। मैंने गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ के धान किसानों को 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने अटल जी के जन्मदिवस पर 3,700 करोड़ रुपए का बोनस किसानों के खातों में पहुंचा दिया। मैंने गारंटी दी थी हमारी सरकार यहां 31 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से धान की खरीदी करेगी। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने अपना वायदा पूरा किया और 145 लाख टन धान खरीद कर नया रिकॉर्ड भी बना दिया। इसके अलावा कृषक उन्नति योजना शुरू हो चुकी है। इस योजना में इस साल खरीदे गए धान की अंतर राशि का भुगतान जल्द ही किसान भाइयों को किया जाएगा। आने वाले 5 वर्षों में जन कल्याण के इन कार्यों को निर्णायक ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें आप सब माताओं बहनों की बड़ी भागीदारी होने वाली है। मुझे विश्वास है छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार इसी तरह आपकी सेवा करती रहेगी, अपनी हर गारंटी पूरी करती रहेगी। और मैं एक बार फिर, गर्मी तो शुरू हो चुकी है, मैं मेरे सामने लाखों बहनों को देख रहा हूं, ये दृश्य अभूतपूर्व है, यादगार दृश्य है। मन में होता है कि काश मैं आज आपके बीच होता, लेकिन आप सब मुझे क्षमा करें, लेकिन बाबा विश्वनाथ के धाम से बोल रहा हूं, काशी से बोल रहा हूं, तो बाबा के आशीर्वाद भी साथ पहुंचा रहा हूं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।